subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिविल इंजीनियरिंग की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे और उसका पहला चैप्टर सीमेंट पढ़ रहे थे। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैनल पर जा करके उस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैंने उस वीडियो में देखिए क्या पढ़ाया था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने बताया था सीमेंट जो है इसमें मेन पांच टॉपिक हैं इसके इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट के संघटक। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि सीमेंट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन सबकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, और सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के सीमेंट में क्या क्या फंक्शन होते हैं। और मैंने ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की। तो जिन्होंने भी ये वाला टॉपिक नहीं देखा है पहले वो जा करके वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटिव प्रीवियस ईयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे जो जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दूं सीमेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला तो था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, क्लियर, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक है इसका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और तीसरा टॉपिक है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक। और इसका चौथा टॉपिक है टेस्ट ऑफ सीमेंट, और पांचवा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। इसके अलावा सीमेंट से रिलेटिव जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो वो भी मैं आपको करा दूंगा अबाउट सीमेंट, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कर लेंगे हम। तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किसे कहते हैं, यानी हिंदी होती है इसकी सीमेंट का जलयोजन। तो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ये केवल टॉपिक है और हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को हम होल्ड कर सकते हैं उस टाइम के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप सब जानते हैं सीमेंट के दो मेथड होते हैं इसके, एक तो होता है ड्राई मेथड और एक होता है इसका वेट मेथड, ठीक है, सूखी विधि और गीली विधि। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, तो ये कम पूछा जाता है, तो अभी के लिए इसे होल्ड करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, आज हम इसे कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर कर लेंगे तीनों टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से आपका सीमेंट ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की। तो सबसे पहली हेडिंग लिख लेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो देखिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं सीमेंट का जलायोजन। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी देख लेंगे साथ साथ, सीमेंट का जलायोजन, ठीक। अब देखिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ये सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट। तो जब भी आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सीमेंट के जो कण होते हैं, वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं हम हाइड्रेशन। इतना समझ आ रहा है, जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट के पार्टिकल वाटर के साथ जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इस हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के दौरान सीमेंट और वाटर आपस में मिलकर के सीमेंट का एक पेस्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं हम जेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जेल बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रेशन के दौरान ही इसमें से कुछ हीट जनरेट होती है और इस हीट को कहते हैं हम हीट ऑफ
हाइड्रेशन, ठीक है। तो आई होप सर इतना समझ में आ रहा होगा कि सीमेंट में जब वाटर मिलाएंगे तो जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको कहेंगे हाइड्रेशन, इसके दौरान जेल बनता है और हीट जनरेट होती है और इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। अब देखो जेई के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम सीमेंट में वाटर कितना ऐड करते हैं, कितने परसेंट वाटर हम सीमेंट में ऐड करते हैं बाई वेट ऑफ सीमेंट। देखिए इसको दो प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे कि देखो सीमेंट के जो पार्टिकल होते हैं, सीमेंट के पार्टिकल, सीमेंट के खड़, तो सीमेंट के पार्टिकल के हाइड्रेशन के लिए, सीमेंट के पार्टिकल के हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर चाहिए, ठीक है। कितना वाटर? 23% वाटर। तो इस वाटर को हम कहते हैं वाउंडेड वाटर, ठीक है, वाउंड वाटर। क्या बोलते हैं? सीमेंट के पार्टिकल के हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वाउंड वाटर। और ये जो जेल बन रहा था, जो पेस्ट बना था सीमेंट और वाटर का, इसमें कुछ वॉइड्स होंगे, वॉइड्स मतलब रंध्र, कुछ छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो उन वॉइड्स को फिल करने के लिए, उन वॉइड्स के फिलिंग के लिए, ठीक है, 15% वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए? 15%, यानी 15% वाटर चाहिए वॉइड्स को फिल करने के लिए। तो इसको हम जेल वाटर बोलते हैं, जेल वाटर, क्योंकि ये जेल के वॉइड्स को फिलअप करता है। तो दो तरह से हमने वाटर को क्लासीफाई किया, एक तो वाउंड वाटर जो कि 23% चाहिए सीमेंट के पार्टिकल के हाइड्रेशन के लिए, और एक जेल के वॉइड्स को फिलअप करने के लिए 15% वाटर चाहिए, जिसे हम जेल वाटर कहते हैं। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन, सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? कितना? 23% और 15%, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 23 + 15 = 38% वाटर चाहिए, 38% वाटर वाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के वेट का 38% वाटर चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, क्या? कुछ केमिकल कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड बनते हैं, और इन केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं वॉक्स कंपाउंड, वॉक्स कंपाउंड, ठीक, वॉक्स कंपाउंड। तो ये वॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये वॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ये सीमेंट में किस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी परसेंटेज वैल्यू घटाने या बढ़ाने से सीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम स्टडी करेंगे वॉक्स कंपाउंड की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में। अब वॉक्स कंपाउंड अगली हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो ये रफ कर रहा हूँ मैं, तो अब हेडिंग आएगी वॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड, देखिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में जो केमिकल कंपाउंड्स जनरेट होते हैं उन्हें कहते हैं बॉक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये बॉक्स कंपाउंड जो होते हैं, ध्यान रखना जब भी सीमेंट में केमिकल रिएक्शन होगी तो ये जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं ये एक साथ कभी भी जनरेट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं विच आर नॉट फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि ये वॉक्स कंपाउंड एक साथ जनरेट नहीं होते हैं। ये पहले तो ये समझ लो वॉक्स कंपाउंड होते कौन कौन से हैं। ये चार वॉक्स कंपाउंड होते हैं, कितने? चार, ठीक है। थोड़ा इधर से लिखता हूँ, नेमिंग करनी है, फॉर्मूले भी लिखने के साथ साथ। तो ये चार वॉक्स कंपाउंड है चौथा, ठीक है। तो ये चारों बॉक्स कंपाउंड में सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, पहले कौन सा जनरेट होगा, उसके बाद कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा। तो सबसे पहला जो बनता है वो बनता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला होता है 3CaO (Al2O3), ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं C3A से, सिंबल आप सब याद रखेंगे इसका क्या होता है, C3A, ठीक है। C3A से हम इसको
डिनोट करते हैं। ये पहला बॉक्स कंपाउंड होता है, सीमेंट में जब हम वाटर मिलाते हैं तो सबसे पहले यही जनरेट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। इसका फॉर्मूला होता है 4CaO एल्यूमिनो यानी Al2O3 फेरेट Fe2O3, ठीक है। 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3 और इसका जो सिंबल होता है वो होता है C4AF। इसको हम डिनोट करते हैं C4AF से, ठीक है। यह हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हो गया टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई मतलब 3 कैल्शियम सिलिकेट SiO2, ठीक है। इसको इसका सिंबल होता है C3S, ठीक है। तीसरा बॉक्स कंपाउंड हो गया ये। और चौथा जो होता है वो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला 2CaO इंटू SiO2, इसको C2S, इसका सिंबल होता है C2S, ठीक है। ये चार होते हैं बॉक्स कंपाउंड, कौन कौन से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, सबसे पहले ये जनरेट होगा, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि ये चारों एक साथ कभी भी फॉर्म नहीं होते, एक एक करके होते हैं। पहले ये फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो ये चार बॉक्स कंपाउंड है। अब हम इन चारों बॉक्स कंपाउंड की स्टडी करेंगे, ठीक है, कि C3A का क्या फंक्शन होता है सीमेंट में, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ा देंगे तो सीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम हम C4AF, C3S और C2S के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर अगली हेडिंग रहेगी हमारी क्या, C3A, ठीक है। इसका क्या काम होता है ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिक्वेंस से पढ़ते चलेंगे, एकदम आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लगभग 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के जेई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखकर ध्यान से समझें, एकदम ईजी है। देखिए अब आगे देखते हैं हम C3A, ठीक है, C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये कितने परसेंट होता है, तो ये 4 से 14% होता है वाई वेट, ठीक है। वाई वेट होता है 4 से 14%। और ये फॉर्म कितने टाइम में होता है, तो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट, ठीक है। यानी कि सीमेंट में वाटर ऐड करने के 24 आवर्स विद इन ये फॉर्म हो जाता है, इतना क्लियर। इसके बाद देखो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो है C3A, इतना क्लियर है। अब देखो एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, यानी कि ये फ्लैश सेटिंग के लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैश सेटिंग से मतलब क्या है, आपने सीमेंट में वाटर मिलाया, सीमेंट में जब आप वाटर मिलाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले जो रिएक्शन करता है वो कौन करता है, C3A करता है, ठीक है। जब सबसे पहले ये C3A रिएक्शन करेगा जिसके कारण सीमेंट तुरंत सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सीमेंट तुरंत सेट होता है, इस सेटिंग को बोलते हैं हम फ्लैश सेटिंग, ठीक है। तो इस फ्लैश सेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, C3A होता है। अब आपको पता है कि अगर हम सीमेंट में जिप्सम मिला दें, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं तो आपको पता है सीमेंट रिटार्डर का काम करता है, ठीक है। रिटार्डर से मतलब क्या हो गया, रिटार्डर से मतलब हो गया कि ये सीमेंट की जो पानी मिलाने के बाद जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को धीमा कर देता है।
और सबसे पहले कौन रिएक्शन कर रहा था? सी थ्री ए, इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जिप्सम इज एडिड टू सीमेंट, टू काउंट रिएक्ट करेगा, ये काउंट रिएक्ट्स सी थ्री ए, ठीक है, सी थ्री ए को काउंट रिएक्ट करेगा। मतलब क्या हो गया इसका कि जो सी थ्री ए की क्रिया है, जो रिएक्शन है, उसको धीमा कर देगा अगर हम जिप्सम और मिला देते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि अगर हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं तो रिटार्डर का काम करता है और सी थ्री ए की रिएक्शन को धीमा कर देता है, तो काउंट रिएक्ट करता है सी थ्री ए को। इतना के लिए यहाँ तक, तो ये हो गया सी थ्री ए के बारे में। 4 से 14% होता है बाई वेट, और 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है, और ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैश सेटिंग के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम जिप्सम भी ऐड कर देंगे तो वो जिप्सम क्या करेगा, सी थ्री ए की रिएक्शन को धीमा कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये रिटार्डर का काम करता है जिप्सम। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं सी फोर ए एफ की, समझते हैं ध्यान से, देखो सी फोर ए एफ यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनो फेरेट, ठीक है। तो इसके भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कितना होता है, ये 10 से 18% होता है बाई वेट, ठीक, 10 से 18% होता है बाई वेट, और ये भी फॉर्म होता है 24 आवर्स में। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स, ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो ये होता है रिस्पॉन्सिबल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो देखिए C3A, अभी बताया था C3A क्या था, वो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बट ये किसके लिए है, अगर हम इनिशियली पूछा जाए आपसे कि इनिशियली हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इनिशियली तो हीट ऑफ हाइड्रेशन मोर होती है किसकी, C4AF की, ठीक है, लेकिन विद टाइम क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजिंग विद टाइम। कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनिशियली मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे C4AF। अगर कहे कि मैक्सिमम अमाउंट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे C3A। क्लियर, दोनों ही हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं इसका सीक्वेंस भी लिखवा दूंगा कि सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, C4AF भी हो गया। अब आता है C3A, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देखेंगे ध्यान से, देखिए तो अब आगे बात करते हैं हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C3S, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले ये होता है 45 to 85, कितना 45 to 85% होता है वाई वेट, ठीक, 45 to 85% होता है वाई वेट, और ये फॉर्म कितने टाइम में होता है, तो फॉर्म्ड विद इन ए वीक, ठीक, कितना टाइम लगता है लगभग इसको, ए वीक का टाइम लगता है ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए C3S और C2S ये दोनों ही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें, अर्ली स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज,
अगर इनिशियल स्टेज में अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तब तो हम क्या बोलेंगे कि C3 एस रिस्पॉन्सिबल है। अगर कहें आपसे क्या कि लेटर स्टेज में जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होती है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, C2S। तो C2S के भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। C2S देखो, C2S ठीक है, ये C3S से वाई वेट कम होता है, ये 15-35% होता है, 15-35% वाई वेट ठीक। ये फॉर्म कितने टाइम में होता है, तो इट इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली, बहुत स्लोली फॉर्म होता है ये ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लोली फॉर्म होगा, और आफ्टर बोल सकते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर ऑफ वाटर इन सीमेंट ठीक है, यानी कि सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद बहुत स्लोली फॉर्म होता है, इसकी रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, और समथिंग मान सकते हैं मे बी कितना ए ईयर बोल सकते हैं हम ठीक है, लगभग एक साल तक इसकी रिएक्शन चलती रहती है समथिंग ठीक है। तो ये होता है ए वीक में फॉर्म होता है, ये लगभग वन ईयर में फॉर्म होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ क्या लिखा था मैंने अर्ली स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज, और यहाँ क्या लिखेंगे हम प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव ठीक प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, या इसी को कह सकते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्लियर इन लेटर स्टेज, इन लेटर स्टेज ठीक। यानी कि हमें जब बहुत बाद की स्थिति में स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, C2S, और C3S किसके लिए है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, जब हमें इनिशियल स्टेज में चाहिए तो उसके लिए ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि चारों बॉक्स कंपाउंड हो गए कि इन सब के क्या क्या फंक्शन थे और कौन सा बॉक्स कंपाउंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिक्वेंस ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं, आगे देखिए देखिए इम्पोर्टेंट सीक्वेंस ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट सीक्वेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्शन करने का क्या सीक्वेंस है, कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड वाटर के साथ पहले रिएक्शन करता है और कौन सा सबसे बाद में करेगा, क्या लिखेंगे क्या रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर इन सीमेंट ठीक, यानी कि सीमेंट में वाटर के साथ रिएक्शन करने का सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो रिएक्शन करता है वो करता है C3A ठीक है, इसके बाद करता है C4AF, इसके बाद करता है C3S, और सबसे बाद में करता है C2S। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था ठीक है, कि पहले रिएक्शन करता है C3A और सबसे बाद में करता है C2S। ये तो याद रहेगा आपको, आसान है काफ़ी, और पूछा जाता है इससे रिलेटिव क्वेश्चन। अब दूसरा सीक्वेंस है कंप्लीशन रेट ऑफ, कंप्लीशन रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन का याद रखेंगे। पहला था किसका रिएक्शन विद वाटर का, अगला है रेट ऑफ हाइड्रेशन का, कि पहले रेट ऑफ हाइड्रेशन में यानी कि हाइड्रेशन की दर ठीक है, इसके कंप्लीशन का सीक्वेंस क्या है। तो पहले करता है C4AF, इसके बाद करता है फिर C3A, इसके बाद C3S, इसके बाद C2S ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर केवल क्या होता है, अगर देखो रिएक्शन की बात है तो सबसे पहले कौन करता है रिएक्शन स्टार्ट वाटर के साथ, C3A, लेकिन अगर कंप्लीशन रेट ऑफ हाइड्रेशन में कौन करेगा, C4AF पहले ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। इसके बाद तीसरा सीक्वेंस आता है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ठीक,
देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन के अमाउंट, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन हीट जनरेट करता है, तो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है C3A, इससे कम करता है C3S, इससे कम करता है C4AF, और सबसे कम करता है C2S। क्लियर? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन जनरेट करेगा, C3A, और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन करता है, C2S। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इनकी वैल्यू भी बता देता हूँ, हालांकि पूछी नहीं जाती है फिर भी बताता हूँ आपको मैं। तो जो C3A है ये करता है 865 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट, और C3S करता है 500 कैलोरी पर ग्राम, यानी 500 कैलोरी पर ग्राम, और C4AF जो जनरेट करेगा वो करता है 420 कैलोरी पर ग्राम, और C2S करता है सबसे कम 260 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया किसका, हीट ऑफ हाइड्रेशन की मात्रा का सीक्वेंस, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन जनरेट करता है, तो वो करता है C3A। अगला आता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, कि सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए, मैंने बताया भी था, C3S। ठीक, इससे कम C2S, और फिर इससे कम C3A, और सबसे कम C4AF, यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा वो करता है C3S, और उससे कम करता है C2S। ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो आपको याद रहेगा स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, C3S सबसे ज़्यादा करता है, C2S उससे कम, और सबसे कम जो करता है C4AF करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हो गए। अब जल्दी से देखते हैं हम कि अगर हम C3A की वैल्यू बढ़ा देंगे, C3A की परसेंटेज वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो उसका सीमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि C3A की परसेंटेज वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें, यानी ज़्यादा मात्रा में C3A यूज करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पर। देखिए तीन चार पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, आपको पता है हाइड्रेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर हम C3A की वैल्यू बढ़ा देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इसके बाद अगर श्रिंकेज देखें, श्रिंकेज वैल्यू तो श्रिंकेज वैल्यू भी बढ़ जाती है। आगे टू बियर कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी टू बियर केमिकल अटैक, केमिकल अटैक को बियर करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ये कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम C3A की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो केमिकल अटैक होगा सीमेंट के ऊपर उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक सेटिंग टाइम भी क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पांच पॉइंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है C3A हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, श्रिंकेज वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, C3S होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C3A जो है, ये नोट में याद रखेंगे कि C3A स्ट्रेंथ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक है, स्ट्रेंथ पर ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर, अब बात करते हैं आगे किसकी,
सी थ्री एस की, कि अगर हम सी थ्री एस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए सी थ्री एस की जो वैल्यू है की परसेंटेज वैल्यू, इसको तो बढ़ा दें एंड सी टू एस को घटा दें, तब सीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो सी थ्री ए की वैल्यू बढ़ाने पर पॉइंट आ रहे थे वही सारे पॉइंट रहेंगे इसमें, बस सेटिंग टाइम वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। यानी कि अगर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन की, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन चूंकि ये भी 500 कैलोरी पर ग्राम हीट दे रहा था तो ये भी बढ़ेगा। और अगला श्रिंकेज, अगर श्रिंकेज वैल्यू की बात करें, श्रिंकेज वैल्यू तो श्रिंकेज वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो हमने चौथा वाला बताया था कैपेसिटी, कैपेसिटी टू बियर केमिकल अटैक, कैपेसिटी टू बियर केमिकल अटैक, ठीक है, केमिकल अटैक की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम रहते हैं वही पॉइंट। अगर बात करें अगला एक और, अगर हम C2S की परसेंटेज वैल्यू तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस बार, ठीक है, C2S की बढ़ा दें एंड C3S की वैल्यू कम कर दें। यहाँ क्या हो रहा था, C3S को बढ़ा रहे थे, C2S को कम कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम C2S की परसेंटेज वैल्यू बढ़ा रहे हैं और C3S की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर चारों पॉइंट लिखे थे इन चारों पॉइंट का जस्ट अपोजिट होता है, हो जाता है इसमें, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट टू एवव, यानी ऊपर वाले का अपोजिट हो जाएगा। तो देखो अब इनके एग्जाम्पल भी देख लो, यानी कि जब हमने C3A बढ़ाया था, C3A की वैल्यू बढ़ाई थी, तो C3A की वैल्यू बढ़ाने के बाद जो जो चेंजिंग हो रही थी तो उसमें जो एग्जाम्पल था जिसमें C3A की वैल्यू ज़्यादा रहती है उसका एग्जाम्पल होगा रैपिड सेटिंग सीमेंट, ठीक है, रैपिड सेटिंग सीमेंट इसको याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल है। यानी कि जब C3A की परसेंटेज वैल्यू बढ़ा देंगे तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, रैपिड सेटिंग सीमेंट, यानी सीमेंट जल्दी से सेट हो जाएगी, उसका सेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगी वो, तो ये रैपिड सेटिंग सीमेंट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगर हम C3S की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो C3S की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है, सीमेंट जल्दी से हार्ड होगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था ये, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। C3A की वैल्यू बढ़ाने का एग्जाम्पल हो जाएगा रैपिड सेटिंग सीमेंट, अगर हम C3S की वैल्यू बढ़ाएं C2S घटाएं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, एन आएगा हार्डनिंग सीमेंट। अगर C2S की वैल्यू बढ़ा दें तो आपको पता है C2S क्या है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा, लो हीट सीमेंट। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी आपसे कहेगा किसी सीमेंट में C3S की परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है तो उसका एग्जाम्पल बताओ कौन सा, तो क्या हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर C3S की वैल्यू ज़्यादा तो रैपिड सेटिंग सीमेंट, और अगर C2S की परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है तो लो हीट सीमेंट। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल थे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये टोटल ओवरऑल था आपका यानी कि बॉक्स कंपाउंड के बारे में डिटेल। तो अब आगे बात करते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तो आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिख लिए हैं और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड सेट्स फर्स्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि सीमेंट का ऐसा कंपाउंड कौन सा है
जो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन करता है और पहले सेट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वाटर के साथ पहले रिएक्शन कौन करता है, तो पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है C3A बताया था ना, सबसे पहले वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है वो कौन करता है, C3A करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, यानी कि जब हम सीमेंट में जिप्सम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है टू प्रिवेंट क्रैक्स, यानी क्रैक्स को प्रिवेंट करता है, वो सुरक्षा करता है क्रैक्स से। फिर टू हेल्प C2S एंड C3S, यानी C2S और C3S को हेल्प करता है, या फिर टू काउंट रिएक्ट्स C3A। यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लिखा है काउंट रिएक्ट्स यानी कि C3A की रिएक्शन को धीमा कर देता है, क्योंकि C3A पहले रिएक्ट होता है, यानी इसके कारण सेटिंग टाइम क्या होता है कम होता था, लेकिन जिप्सम क्या करता है सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है, इसका मतलब इसको काउंटर रिएक्ट करेगा C3A को, यानी C3A की रिएक्शन को धीमा कर देगा। तो ऑप्शन यानी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो सबसे पहले सेट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले कौन सेट होता है, C3A, क्लियर। तो इसका भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इतना क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, यानी कि सीमेंट की अच्छी वेराइटी के लिए किसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर हमारी सीमेंट कब अच्छी होगी, जब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है C3S, सबसे ज़्यादा C3S प्रोवाइड करता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इतने क्लियर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन नंबर 5, रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन्स रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ, यानी कि रैपिड सेटिंग सीमेंट में किसका प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको लिखवाया भी था कि हम किसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तब रेटिंग रैपिड सेटिंग सीमेंट प्राप्त होती है, तो C3A की, यानी अगर हम C3A की, मैंने बताया था ना C3A की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसका एग्जांपल क्या है रैपिड सेटिंग सीमेंट, C3S की वैल्यू बढ़ाएंगे उसका एग्जांपल क्या था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर C2S की वैल्यू बढ़ाएंगे उसका एग्जांपल क्या था लो हीट सीमेंट। तो इस अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी C3A। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसमें किसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं हम, तो उसमें करते हैं किसकी वैल्यू इंक्रीज C3S की, बताया भी था मैंने, यानी कि रैपिड सेटिंग सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था C3A और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा C3S, यानी कि हायर कंटेंट ऑफ C3S, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है C3S की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की, 6 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग इसी अकेले टॉपिक से रिलेटिव मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चंस, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है समझते रहेंगे ऐसे ही और कंप्लीट हो जाएगा बस। देखिए अब आगे 6 क्वेश्चन और लिख लिए मैंने, ये इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे ओवरऑल, ठीक है तो इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से कवर अप करते हैं फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इन OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर इज, यानी कि OPC सीमेंट में जो वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्शन करता है वो कौन करता है, एकदम आसान है आपको पता है C3A, यानी कि C3A वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्शन करता है, ठीक है इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन इट जनरेट्स हीट दिस इज कॉल्ड एज, यानी कि सीमेंट सेट होता है और हार्ड होता है और हीट जनरेट करता है, तो इस हीट को क्या कहते हैं हम, हमें पता है क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज
suitable for use in urgent repairs of existing massive concrete, ठीक है, massive concrete structures such as large dam. तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे कि हमें कोई मैसिव कंक्रीटिंग वर्क करना है, जैसे बड़े बड़े डैम बनाने हैं, तो उसमें जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो कौन से सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि लार्ज डैम बनाना है, मैसिव कंक्रीटिंग वर्क करना है आपको, तो इस केस में आप लो हीट सीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारी कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसलिए अगर हम उसमें लो हीट सीमेंट यूज करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हो पाएगी. इतना क्लियर है ना? तो क्या यूज करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए मैसिव कंक्रीटिंग वर्क करना है, जैसे बड़े बड़े डैम बनाने हैं आपको, तो उस केस में आप लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं. इतना क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, द हायर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू इट्स, यानी कि अगर हमें हायर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, और कौन सी सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. तो मैंने बताया भी था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किसका एग्जांपल है, जब हम C3S की वैल्यू बढ़ा देते हैं, किसकी, C3S की वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते थे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और C3S ही अर्ली स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है. तो इसका मतलब क्या इंक्रीज करेंगे हम इसमें, हायर कॉन्टेंट ऑफ C3S, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, डाई कैल्शियम सिलिकेट. तो डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन लिखा है हाइड्रेट्स रैपिडली, यानी जल्दी से हार्ड हो जाता है ये. अगला है जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन, कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है ये, बिल्कुल सही, यानी कि C2S क्या करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो का मतलब लेस, लेस मतलब कम, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका. इतना क्लियर? आगे है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं सीमेंट के, तो जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और सीमेंट को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, C3S एंड C2S, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना अपने से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने केवल आपको करेक्ट करेक्ट ऑप्शन समझा दिए हैं, कौन सा सही है और क्यों सही है, और आई होप सो आपको समझ भी आ गया होगा. तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट. ठीक है, जो बॉक्स कंपाउंड के बारे में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा SSCJE के एग्ज़ाम में. ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा. अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब सीमेंट के नेक्स्ट टॉपिक में. क्लियर है? ठीक है, थैंक यू.